हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, टाइम मिला नहीं यार। नए साल मुबारक हो सभी को, आपको और आपके परिवार को। और 2020 जो है काफ़ी अच्छा नहीं गया कोरोना की वजह से, और 2021 आपके लिए खुशियां लेकर आए, यही उम्मीद करता हूं मैं। और दोस्तों, आज का वीडियो आप समझ गए होंगे, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर है। जो जेसीबी ने जो सीएनजी मॉडल जो लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसकी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले मेरे जो वीडियो है आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में जो लॉन्च हुई मॉडल सीएनजी मॉडल जेसीबी 3DX मॉडल, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हुए हैं, ये आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। वीडियो काफी पहले लेकर आता, लेकिन इसकी जो पूरी जानकारी अभी किसी के पास आई नहीं है इतनी, तो उस हिसाब से मैं जो है वीडियो पहले नहीं लेकर आया। बाकी मेरे को पता चल गया था, काफ़ी महीने, एक महीने पहले ही मुझे पता चल गया था कि 1-2 महीने होने वाले, तो वो सीएनजी मॉडल जो मशीन निकाला है, जो गैस पर चलेगी मशीन, और डीजल और गैस दोनों पर चलेगी। तो इस मॉडल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि मशीन का लुक काफ़ी एकदम परफेक्ट लुक दिया गया है, काफ़ी मज़ेदार लुक दिया गया है मशीन का। और मशीन को जो है इस तरह से बनाया गया है, इंजन को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ इंजन को चेंज किया, ऊपर का एक टब चेंज किया, जहाँ पर जो है 90 लीटर का एक गैस का टैंक दे दिया गया ऊपर की साइड में, जो अपना टब होता है उसके ऊपर, तो उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है 1-1.5 फीट के आसपास, और इंजन को चेंज कर दिया ताकि गैस और डीजल दोनों से मशीन जो है एक साथ चल सकती है। दोस्तों, कंपनी ने जी ये काम किया है पर्यावरण को बचाने के लिए। सबसे मेन बात यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो है मशीन को जो सीएनजी के ऊपर निकाला गया, ताकि जो है पर्यावरण बना रहे। अच्छा, अभी ये डीजल गाड़ियों से क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से जो है मशीन को सीएनजी पर चल, ये पहली भारत में एक सीएनजी मॉडल मशीन निकाली है बैकहो लोडर, ताकि जो है पर्यावरण बना रहे, अच्छा एकदम इसमें ज्यादा प्रदूषण नहीं करती है ये मशीन, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और यहीं से हमारे देश से जो है मेड इन इंडिया मशीन है दोस्तों, और ये मशीन जो है बाहर के देशों में भी सप्लाई की जाएगी यहाँ से, इंडिया से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों हमारे लिए, मेड इन इंडिया मशीन अपने जैसे। हालांकि अभी जो मशीन है वो भी मेड इन इंडिया है, लेकिन क्या है कि जो सीएनजी मॉडल है वो मेड इन इंडिया है दोस्तों, यहीं से बाहर के देशों में जो सप्लाई की जाएगी यहाँ से, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि अभी तक इसकी जो प्राइस है कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की है, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंपनी ने अभी तक जो है इसकी प्राइस जो अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन मशीन की जो प्राइस है एक्चुअल में 27-28 लाख के आसपास होने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं हम एवरेज के बारे में कि ये मशीन एवरेज कितना देगी। तो ऐसा है दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मशीन का एवरेज इन मशीनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है ये मशीन। तो ये अपने लिए काफ़ी अच्छी बात है कि यार दोस्तों, ये मशीनें जो है डीजल ज़्यादा खाती है, किलोस्कर इंजन के मुकाबले भी जेसीबी इंजन जो है ज़्यादा डीजल खाता है, तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि यार इन मशीनों के मुकाबले, एक इको एक्सलेंस मॉडल के मुकाबले जो ये मशीन कम डीजल खाएगी, तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो सालाना बचत है वो डीजल की बचत है, जो एवरेज का वो बचत है अपना करीब 1 से 1.5 लाख के आसपास। एक लाख भी हम अगर मानते हैं तो हम सालाना 1 लाख की बचत कर पाएंगे, तो वो एक अच्छी बात है। जैसे बारिश के महीनों में क्या होता है, एक्चुअली में जो किस्तें भरनी होती है वो किस्तें कई बार एक आध किस्त डाउन भी हो जाती है कई लोगों की, ऐसा नहीं है क्योंकि मशीनें चल नहीं पाती है, तो वो एक अच्छी बात है कि अगर वो 1 लाख रुपए अगर वो 2 किस्तें भरेंगे तो उनमें तो काफ़ी उनको फायदा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नुकसान नहीं है। और 1 लाख अगर बच रहा है, 1 लाख से ऊपर बचेगा आपका, मैं मान के चलता हूँ कंपनी ने जो 1 लाख और 20 हज़ार के आसपास बताया कि 1 लाख 20 हज़ार सालाना की बचत होगी, तो दोस्तों इको एक्सपर्ट की तरह ये मशीन भी बहुत ही मज़ेदार एवरेज देने वाली है, परफॉर्मेंस देने वाली है बहुत ही अच्छी। तो ये सीएनजी मॉडल ये थे आज की रिपोर्ट, और आगे इसके ऊपर डिटेल अभी तक नहीं आई है कुछ ज़्यादा डिटेल, तो कंपनी जैसे ये मशीन जो है मार्केट में अभी तक आई नहीं है, और 2020 में इसको लॉन्च तो कर दिया है दिसंबर में, लेकिन अभी तक ये मार्केट मशीन आई नहीं है, तो जैसे मार्केट में मशीन आएगी तो आपको सबसे पहले मैं अपडेट ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तक ये मार्केट में आई नहीं है मशीन दोस्तों। और जैसे मशीन अगर मार्केट में आती है तो आप सभी के पास इसकी जो है पूरी डिटेल मैं अपने इस चैनल पर लेके आऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए,
और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।